बाला साहब जी के विचार जीवित रहे और उनके दिए हुए मार्ग पर चलने का निर्णय शिवसेना के 50 विधायकों ने किया वो अभिनंदन के पात्र है। उनको गद्दार कहना इसका मतलब खुद की नासमझी को जनता के हित में बताना ऐसा है। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि हिम्मत हो तो एमएलए रिजाइन करे। हमारा सवाल आदित्य ठाकरे जी को है कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर सरकार में बैठे सरकारी पक्ष में वो सभी लोगों ने शिवसेना के एकनाथ शिंदे जी के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना प्री पोल अलायंस में वोट लिया है तो वो तो हकदार बनते हैं इस अलायंस के सरकार का। आपने बगावत की है, आपने धोखाधड़ी की है तो आदित्य जी आप खुद जो जीते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से जीते हैं। अगर थोड़ी भी दूसरे को कहने के लिए आप जो नुक्से देते हो मेरा सवाल है कि आप स्वयं रिजाइन करोगे क्या, क्योंकि आप स्वयं भाजपा के वोटों से जीते हो। धन्यवाद। केवळ तेव्हाच्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जींना प्रश्न विचारले तर केसेस दाखल होत होत्या, हल्ले होत होते, अडचणी देणाऱ्या गोष्टी विचारल्या तर तुरुंगात टाकलं जात होत। त्यावेळेला शरदचंद्र पवारांपासून बुद्धिमंत पत्रकार सांगत होते महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांचा अवमान कोणीच करता कामा नये। आज या सगळ्यांची तोंड का शिवली आहेत। ज्यावेळेला माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या पोस्टरला किंवा पिक्चरला अशा पद्धतीचे अपमानित आणि अवमानित करत असतील तर उद्धव ठाकरेजींची शिवसेना ही महाराष्ट्राचा अपमान करते आणि एकनाथ शिंदेजींच्या पोस्टरला काळं फासून महाराष्ट्र द्रोह करते असं आमचं म्हणणं आहे। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।